सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आज सभी जेनेमजी सॉल्यूशन में। दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि अगर मान लीजिए उनकी कोई एक एक्सटर्नल अकाउंट है उनके पास में, वो चाहते हैं कि उनकी नई आईडी जो उन्होंने जीमेल की बनाई है उससे वो एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करें, तो कैसे वो उस एक्सटर्नल अकाउंट को अपने पुरानी वाली या फिर नई वाली जीमेल आईडी से एडमिन बनाए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले आपको वही ईमेल आईडी लगानी है जिससे आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखा है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लूँगा, डायरेक्टली गूगल एडसेंस लिख लेंगे, इसके बाद में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं एक्सेस एंड ऑथर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक्सेस एंड ऑथर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यूजर मैनेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, जो भी न्यू ईमेल आईडी है जिससे आपको गूगल एडसेंस को कनेक्ट करना है, वो ईमेल आईडी वहाँ डाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद में इसको इन्वाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं सेटिंग पर जाना है, फिर एक्सेस एंड ऑथर पर जाना है, उसके बाद में यूजर मैनेजमेंट जाना है। यूजर मैनेजमेंट पर जाने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ से इन्वाइट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटर बना पाएंगे अपनी आईडी को। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ये आईडी डाल देते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन करना है। आपको दूसरी ईमेल आईडी पे जाना है, वहाँ पे जाकर आपको परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जाकर आपको लॉगिन होना है। जैसे कि मैं ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे दूसरी वाली, जिसको मैंने यहाँ पे एडमिन बनाया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो फिलहाल के लिए लॉगिन का जो प्रोसेस है मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपकी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी आपके पासवर्ड डालने के बाद में। अब दोस्तों देख सकते हैं मेरी आईडी यहाँ पे लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करता हूँ। जीमेल पे क्लिक करने के बाद में आपको एक मेल रिसीव होगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा मेल होगा। यहाँ पे आपको इनविटेशन का एक मेल आएगा, मतलब जो आपने वहाँ से आईडी दी थी वहाँ से एक इनविटेशन का एक मेल आ जाएगा। आपको उस मेल आईडी से यहाँ पे क्लिक करके इस आईडी को आपको एडमिन बना लेना है। देख सकते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से ऐड आ चुका है इनविटेशन का, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह से मैसेज आएगा, उसको क्लिक करिए एंड देन अपनी आईडी से लॉगिन हो जाइए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।